प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। सावन महीने की पंचमी को नाग पंचमी कहा जाता है। इस दिन नागों की पूजा होती है। कहा जाता है कि पंचमी के दिन नाग की पूजा करने से काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। देश के अलग अलग हिस्सों में नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा की जाती है। आमतौर पर इस दिन नागों को दूध लावा का भोग लगाया जाता है। घरों में नाग की मूर्ति या फिर उनका चित्र बनाकर उनका टीका किया जाता है। लेकिन यूपी में नाग पंचमी के दिन एक दिलचस्प और अजीब तरीका अपनाया जाता है। यूपी के कुछ जिलों में नाग पंचमी के दिन गुड़िया को पीटे जाने की प्रथा सदियों से चली आ रही है। इस दिन घर की महिलाएं पुराने कपड़ों से गुड़िया बनाती है और नाग पंचमी वाले दिन उन्हें चौराहे पर रख आती है। इसके बाद मोहल्ले अथवा गांव के लड़के लाठी डंडों से उस कपड़े की गुड़िया को पीटते हैं। इस प्रथा के पीछे क्या कारण है, लोग ऐसा क्यों करते हैं, इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती। लोगों का ये कहना है कि भूत प्रेत और बुरी आत्माओं से गांव की रक्षा के लिए ऐसा किया जाता है। हालांकि प्रभात खबर इस बात की पुष्टि नहीं करता और ना ही इसे बढ़ावा देता है। हम लोग हर साल घर पे कपड़ों की गुड़िया बना के लकड़ी, छोटे छोटे बच्चों के साथ मेला लगता था, मेला जाते थे, कपड़ों की गुड़िया बना के लकड़ों की डंडी बना के उससे गुड़िया पीटते थे, मेला लगता था, झूला झूलने जाते थे। परंतु इस बार कोरोना वायरस की वजह से हम लोग अपने घर पे ही मतलब नाग पंचमी की पूजा तो होती है, सारी चीजें वैसे पकवान बने बनाए, परंतु जो झूला झूलने का मतलब अवसर मिलता था बाहर मेला जाने के लिए हम लोग मनाते थे बाहर छोटे छोटे बच्चों के, इस बार हम लोग उस चीज को बहुत मिस कर रहे हैं। बचपन से हर साल नाग पंचमी मनाते हैं, लेकिन इस बार कोरोना वायरस की वजह से हम लोग इस त्यौहार को नहीं मना पा रहे हैं और हम लोग इस त्यौहार को बहुत मिस कर रहे हैं। नाग पंचमी मनाने के कई और भी अलग अलग तरीके हैं जो काफी दिलचस्प हैं। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में नाग पंचमी के दिन नाग की मूर्तियां बनाई जाती हैं, उनका टीका किया जाता है। सपेरे नाग लेकर आते हैं और महिलाएं उन्हें दूध लावा का भोग लगाती हैं। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि नागों को दूध नहीं पिलाया जाना चाहिए। झारखंड बिहार के कई जिलों में बकायदा मेला लगता है। यहाँ मेले में अलग अलग तरह के सांपों का खेल होता है। बड़ी संख्या में लोग इन्हें देखने के लिए जुटते हैं और उनकी पूजा करते हैं। यहाँ महिलाएं अपने घर के दरवाजे पर गोबर और मिट्टी की सहायता से नाग की कलाकृतियाँ बनाती, सूख जाने पर इनका टीका करती हैं, फिर विधि विधान से इनकी पूजा की जाती है। पश्चिम बंगाल और झारखंड के सीमावर्ती जिलों में नाग पंचमी के दिन नृत्य नाटिका होती है। इसमें राजा परीक्षित को नागराज तक्षक द्वारा काट लिए जाने और फिर जन्मेजय द्वारा इसका बदला लेने की कहानी दिखाई जाती है। ये अधिकांश बांग्ला भाषा में किया जाता है। लोग बड़ी संख्या में ये नाटक देखने के लिए इकट्ठा होते हैं। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।